एक दूसरे नींबू से, ये बालाजी है। तो पौधे में देखिए, अभी तक जो आपने देखा होगा ये बालाजी के हैं, वही 6x3 पर हैं, 2015 की प्लांटेशन है इनकी, और ये अब जुलाई में 5 साल के पेड़ हो जाएंगे। ये देखिए नींबू है कोई मिला इनका हैं बालाजी। तो अनिल जी गए हैं नींबू लेने, तो आपको ये भी दिखाएंगे। किसान भाइयों, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था आप लोगों को अलग अलग वैरायटी दिखाना और कहाँ तक होते हैं, जगह मदर प्लांट है वहीं से लेनी चाहिए, वो पूरा हो रहा। कुछ नई बातें सीखने को मिली हैं, नए तथ्य मिले हैं, ये भी पता चला है कि नींबू में एक भी बीज हो सकता है और सीडलेस, जिसे हम सीडलेस कहते हैं, लेकिन है वो नींबू बगैर सीड का तो नहीं, लेकिन लेस रहेगा, लेस है, मतलब एक बीज मिला है हमारे को। और ये अनिल जी लेकर आए हैं बालाजी का नींबू, लेकिन अभी तक जो सबसे अच्छा है साईं सरबती हमें लगा है। ये देखिए ये बालाजी है, हल्का सा अंडाकार है। हाँ, ये थोड़ा सा अंडाकार है, इसमें चोंच भी है, ये देखिए थोड़ी सी चोंच है और अंडा मैं वो दिखा देता हूँ। ये चौड़ाई है इसकी 6 मीटर, 6x3 मीटर पे है ना, ये बता रहे हैं ना, सारी 6x6x उस पर 3 पे लगे हुए हैं, ये सब 6x3 पे है। और ये है, हाँ 3 मीटर है, 10 फीट है, मैं देख ली। हाँ, ये पूरा बाग 6x3 पे लगा हुआ है और रेजिंग बेड पे है। चलिए मिलिए NRCC 7 से, ये भी 6x3 पर है लगा हुआ। तो पौधे छोटे हैं, तो मुझे लगता है अभी तक देख कर साईं सरबत ही अच्छा है। ये देखिए भरपूर फ्लावरिंग है इन पर, अब आई हुई है, ये देखिए। ये अंबे बाहर की फ्लावरिंग है, कहाँ को दिखा रहे थे यहाँ पर, ये देखिए फल लगे हुए हैं इन पर, ये नींबू देख सकते हैं आप। आइए, ये अनिल जी कह रहे हैं लीजिए नींबू, एक नीचे भी पड़ा है वो भी उठा लीजिए, और एक दिखाओ जरा गोल सा करके कैसा है नींबू, देखो ये अगले, हाँ ये देखिए, बस ये देखिए, काफ़ी नींबू हमने इनके तोड़ दिए, गोल है नींबू, बिल्कुल गोल है, हल्की सी चोंच है इस पर, छिलका पतला है, गोल है और 40 ग्राम से ज़्यादा का नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत नींबू है, NRCC 7, ये 7। हाँ, तो 7 में देखिए एक नींबू है, हाँ सिंगल नींबू लगता है, और 8 में गुच्छों पर लगता है, वो कौन सा? चलिए NRCC 8, जो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटी है, ये देखिए इस पर भी फूल आए हुए हैं, और इसका भी नींबू हम दिखाएंगे। तो 7 और 8 में ये डिफरेंस है कि 7 में एक एक करके नींबू आता है, और 8 में नींबू गुच्छों में आता है। और चूंकि ये अभी 15 की प्लांटेशन है, तो आप सोच सकते हैं कि ये नींबू बहुत पुराना नहीं है, नई वैरायटी है, और अब की बार कहते हैं कि यहाँ पर इसका मार्केट में इसका वो आएगा, फल आएगा। तो ये है देखिए आप, तो ये पुराने कुछ नींबू हैं, तो दो दो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं, चलिए देखते चलते हैं। NRCC 8 की ये खासियत है कि ये बंच में आता है। तो ये NRCC 8 में ये दो खासियत है, एक तो ये बंच में आता है, देखिए ये 4 हैं, ये 2 हैं, उधर भी देखिए कई सारे हैं, ये बंच में आते हैं। तो ये बंच में आते हैं, तो प्रोडक्शन काफी है, लेकिन नींबू का साइज ये देखिए नींबू का साइज कुछ नींबू का थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा। ये देखिए आप, और बेरिंग भी अच्छी है, ये नींबू है तो थोड़ा बड़ा है नींबू, ये 60 ग्राम का नींबू होगा कम से कम मेरे हिसाब से, तो ये अच्छा है। हाँ, ये 55-60 ग्राम का होगा, तो ये NRCC 8 है। हाँ, ये 3 साल हो गए, हाँ ठीक है। आइए अब देखते हैं, ये एसिड लाइम लिखा हुआ, एसिड लाइम बोलते हैं इसको, यानी के खट्टा नींबू,
तो ये कोई देसी वैरायटी है और जिसे कागजी नींबू बताते हैं, और मैं इसमें आपको अभी इसका फल दिखाऊंगा। ये देखिए, इस बाग में लगभग सभी वैरायटीज हैं, सभी प्रजातियों के पौधे हैं, सब 6x3 पर लगे हुए हैं। और देखिए कितना फैलाव है इस पेड़ का, ये देखिए। लेकिन इस समय इनमें फ्लावरिंग कम है। कहाँ है इसका फल? ये मृग बार के सभी फल मृग बार के हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी गर्मियों के फल हैं, लेकिन बहुत कम हैं। हाँ, ये देखिए, फूल आ रहे हैं सर अभी से। ये एसिड लाइम है, कागजी नींबू इसे बोलते हैं। देखिए बिल्कुल गोल है इसमें, अगर ये देखो ध्यान से, ये चोंच नाम मात्र की है, नहीं है। कितना बढ़िया लग रहा है, कागजी नींबू। और इस पे ये अंबिया भार था ना सर, इसलिए कम कम है।